हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीसीएम मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। हमारा यूनिट चल रहा है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, इफ एक्स इक्वल्स टू 2 कॉस टू द पावर 4 टी प्लस 3, वाई इक्वल्स टू 3 साइन टू द पावर 4 टी प्लस 3, वी हैव टू शो दैट डीवाई बाई डीएक्स माइनस रूट ऑफ 3y बाई 2x। तो हमें ये शो करना है। तो यहाँ पे देखिए, x इज द फंक्शन ऑफ t है, y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, तो इट इज बेसिकली क्या ये पैरामेट्रिक फंक्शन। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है, पहले x लिखेंगे सबसे पहले जो है। तो x इक्वल टू क्या है, 2 cos टू द पावर 4 t प्लस 3। तो चलो ये हो गया पार्ट, यहाँ पे लिख लिया हमने। अभी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे हम, x करेंगे, y करेंगे या फिर t करेंगे, तो t करेंगे। क्यों, देखो यहाँ पे x इज अ फंक्शन ऑफ t, t के फॉर्म में है, इसलिए डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। देन आफ्टर देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा dx by dt, 2 क्या है, कांस्टेंट है, चलो एज इट इज रखेंगे। ये 4 आ जाएगा आगे, क्योंकि ये x टू द पावर n रूल लगाएंगे 4, और पावर x से कम हो जाएगा 3, t प्लस 3। लेकिन फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा d बाई डी टी ऑफ दिस पार्ट कॉस ऑफ t प्लस 3। पता है ना आपको कि ये जो है चेन रूल लगेगा, इसलिए हमें ये cos t प्लस 3 का डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ता है। तो ये cos t प्लस 3, देखिए एक एक स्टेप बराबर, ठीक है। और यहां से देखो 4 टू द 8 cos क्यूब t प्लस 3। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t, यानी cos ऑफ ब्रैकेट का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा। तो चलो माइनस आगे दे देता हूँ मैं यहाँ पे पहले, तो cos का डेरिवेटिव हो गया यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस आगे लगा दिया मैंने साइन t प्लस 3। और फिर से डेरिवेटिव करो t प्लस 3 का, क्योंकि चेन रूल यूज करना होगा। जैसे cos ऑफ t नहीं है यहाँ पे, t के जगह कुछ और है t प्लस 3, इसलिए फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया माइनस 8 cos क्यूब t प्लस 3 साइन t प्लस 3, t का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0, कांस्टेंट है। तो समझ में आया इतना, तो देखो ये फर्क पड़ने वाला नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम टर्म रहेंगे। तो फाइनली वी गेट dx by dt, क्या मिल रहा है हमें dx by dt, देखो ध्यान से, माइनस 8 cos क्यूब t प्लस 3 और यहाँ पे है साइन t प्लस 3। तो हो गए dx by dt, पहला पार्ट क्लियर है सबका, ठीक है। कुछ भी डाउट आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो आप, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे आपको और लाइव का नोटिफिकेशन भी आते जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना और आपने बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो ये होगा पहला पार्ट dx by dt। अभी करना इसके बाद क्या है हमें, तो dx by dt हो गया, अभी यहाँ पे y गिवन है, तो चलो y का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy by dt मिल जाएगा हमें, सही है ना ये, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया सॉल्व। तो मुझे तो यहाँ पे स्पेस की कमी है, तो मैं यहाँ पे dx by dt ऐसे रह देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी y इक्वल्स टू गिवन है 3 साइन टू द पावर 4 t प्लस 3, बराबर करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे y भी क्या है, y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t है, इसलिए हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। सही या गलत है बोलो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। देखो यहाँ पे dy by dt बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है, डिफरेंशिएशन सिंपल यूनिट है, और पूरा सिलेबस जो है आपका पार्ट टू का वो डिफरेंशिएशन यूनिट पे है, तो इसलिए आपके डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो समझ लो बराबर 3 इंटू ये 4 आगे आ जाएगा, और साइन का पावर क्या करेंगे, एक से कम, तो साइन क्यूब हो गया टी प्लस 3, राइट। फिर से डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ किसका लिखेंगे, अभी डेरिवेटिव देखो ये जो पार्ट है इसका, यानी साइन टी प्लस 3 का, साइन टी प्लस 3, यहाँ पे भी चेन रूल यूज किया हमने, जैसे इधर किया था डी एक्स बाई डी टी के पार्ट में, बोलो 3 4 जा 12 साइन क्यूब टी प्लस 3, और साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस टी प्लस 3, देन डी बाई डी टी ऑफ अगेन दिस टी प्लस 3। तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आपको पता है डेरिवेटिव 1 आने वाला है वहां पे। चलो तो ये हो जाएगा हमारा 12 साइन क्यूब
प्लस थ्री योर कॉस ऑफ टी प्लस थ्री, टी का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, तो मिल गया हमें डीवाई बाई डी टी की वैल्यू। क्या मिलेंगे डीवाई बाई डी टी की वैल्यू, ये हो गई डीवाई बाई डी टी की वैल्यू, और ये है डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू। तो फाइनली हमें लास्ट में लिखना क्या है, क्योंकि हमें चाहिए डी वाई बाई डी, तो पैरामेट्रिक फंक्शन यूज करके कर देंगे। यहाँ तक हो गया, देखो स्पेस थोड़ा प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ कहीं पे, यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, डी एक्स बाई डी टी -8 ये कॉस क्यूब टी प्लस थ्री, और ये है साइन टी प्लस थ्री। देखो स्पेस की कमी आ रही है, इसलिए मुझे यहाँ पे इसको लिखना है, ठीक है? आपके बुक में तो आ जाएगा पूरा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये यहाँ तक सॉल्व हो चुका था हमारा, डीवाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी मिल चुका था पहले, और ये इसके बाद वाला पार्ट है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखो 12 साइन क्यूब टी प्लस थ्री योर कॉस ऑफ टी प्लस थ्री, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, तो ये मिला हमें डीवाई बाई डी टी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू मिल गई हमें। चलो यहाँ तक ठीक है, तभी डी वाई बाई डी टी भी मिल गया, डी एक्स बाई डी टी भी मिल गया, तो अब करना है हमें रूल यूज, रूल यूज करेंगे अभी पैरामेट्रिक फंक्शन। नाउ ये हमारा थ्योरम डी वाई बाई डी एक्स, पैरामेट्रिक थ्योरम ये है। देखो डी वाई वाला पार्ट है तो ऊपर डी वाई बाई डी टी, नीचे क्या आएगा डी एक्स बाय डी टी, वैल्यू पुट अप करो, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू अभी निकाला था 12 साइन क्यूब टी प्लस थ्री कॉस ऑफ टी प्लस थ्री, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू -8 कॉस क्यूब टी प्लस थ्री, और ये क्या है साइन टी प्लस थ्री, तो फाइनली मिल गया ये वैल्यू। इसके बाद डिवाइड करना है, देखो कैंसल क्या होता है इसमें से, यहाँ पे साइन टी प्लस थ्री है, यहाँ पे भी साइन क्यूब है, चलो एक कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, और इधर से 4 का टेबल बोलो, चलो माइनस लिख देता हूँ पहले, 4 का टेबल बोलो, 4 3 12, और यहाँ पे आएगा 4 2 8, -3/2 मिल गया, सही है? देखो मैंने पहले बोला था यहाँ से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर टी प्लस थ्री, सही है ना? देखो एक साइन टी प्लस थ्री इसमें से चला गया, तो कितना बचेगा, साइन स्क्वायर बचेगा ना, 3 में से एक चला गया तो 2 बचेगा, और इधर से देखो कॉस टी प्लस थ्री है, इसमें से एक कॉस घटा दो, तो एक अगर निकल गया तो कितना बचेगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर टी प्लस थ्री। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा गारंटी, ठीक है? लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारे पास एक प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, कि हमें आंसर जो चाहिए ये चाहिए एक्स और वाई के फॉर्म में चाहिए, राइट? तो हमारे पास जो ये टर्म्स है साइन टी प्लस थ्री स्क्वायर और कॉस स्क्वायर टी प्लस थ्री, ये टर्म हमें कहाँ से मिल सकते हैं, ये स्टार्टिंग से मिल सकते हैं, तो चलो इसको पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ तक लिख लो पहले डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है? अभी इसको देते हैं इक्वेशन 1, बाद में हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट करेंगे ये सॉल्व करके, एक्स और वाई वाला पार्ट सॉल्व करके। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो फिलहाल के लिए, और आगे वाला पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ, तब तक आप यहाँ तक लिख लीजिए। चलो यहाँ तक हो गया था इक्वेशन 1, अभी देखो इक्वेशन 1 तो हमें मिल गया, लेकिन हमें जो आंसर के चाहिए एक्स और वाई के फॉर्म में चाहिए, तो अरेंज करना पड़ेगा। देखो कहाँ से अरेंज करना है, वी हैव हमारे पास क्या गिवन था, एक्स इक्वल्स टू 2 cos 4, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम गिवन, ठीक है? गिवन क्या था हमारे पास, एक्स इक्वल्स टू 2 cos 4 टी प्लस थ्री, देन यार वी हैव टू एडजस्ट दिस, 2 यहाँ पे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स बाई टू कॉस इक्वल्स टू कॉस टू द पावर 4 टी प्लस 3, और इधर वाई वाला पार्ट कर लो, वाई इक्वल टू कितना 3 sin 4 टी प्लस 3, तो यहाँ पे भी सेम करेंगे, इधर वाई ये 3 चला जाएगा नीचे, वाई बाई 3 इक्वल्स टू 2 sin 4 टी प्लस 3। अभी क्या करना क्या है इसके बाद, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर टी प्लस थ्री यानी साइन स्क्वायर टी प्लस थ्री की वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है ये रूट में आ जाएगा रूट वाई बाय थ्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस थ्री, यही होता है ना स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर
स्क्वायर रूट एन क्या होगा यहाँ पे, जैसे साइन स्क्वायर अगर रहा तो हम क्या करते हैं साइन आ जाता है वहां पे और ये रूट में टर्म चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पावर 4 है, तो पावर 4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सेम हियर, तो यहाँ पे भी मिल जाएगा वैल्यू साइन स्क्वायर टी प्लस 3। ये आगे रन में स्क्वायर रूट लेने के बारे में टी प्लस 3 साइन स्क्वायर टी प्लस 3 की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे रूट ऑफ एक्स बाय 2। तो यहाँ पे रूट ऑफ एक्स बाय 2 मिल गई है, यहाँ पे रूट ऑफ वाई बाय 3। ये दोनों भी वैल्यू कहाँ पे पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास मिल चुके है यहाँ पे। तो पुट इन इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यू पुट करना है तो पुट कर सकते हैं। देखो क्या करें अभी, इसके बाद क्या करना है हमें, तो ये इक्वेशन 1 था, तो साइन स्क्वायर टी प्लस 3 की वैल्यू ये कितना रखेंगे हम, साइन स्क्वायर टी प्लस 3 की वैल्यू, इसके बाद वाली स्टेप है साइन स्क्वायर टी प्लस 3 की वैल्यू है रूट ऑफ एक्स बाय 2। ये देखो सॉरी साइन की है ना, ये यहाँ पे कॉस, ये कॉस था कॉस स्क्वायर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद यहाँ पे साइन नहीं, कॉस है तो कॉस आएगा, और ये क्या था साइन की दबाव 4 था तो साइन स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है। तो साइन कॉस स्क्वायर टी प्लस 3, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ वाई बाय 3। ये ऊपर साइन वाला पार्ट था और नीचे क्या है कॉस वाला पार्ट है, तो कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 की वैल्यू है रूट ऑफ एक्स बाय 2। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ रूट ऑफ एक्स बाय 2। देखो कुछ ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही है, आपको सिर्फ क्या करना है जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है इससे डिराइव करना पड़ता है आपको जो चाहिए और वहां पे पुट करना है। बस कर दिया मैंने पुट इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये मिल गया हमें फाइनली। तो फिर भी आंसर आया क्या अभी तक के, नहीं मिला हमें आंसर जो चाहिए वो नहीं मिला, ठीक क्यों नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये चीज जो है 3 को अंदर कर दो इसके, तो 3 को अंदर कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर अगर चला गया तो 9 बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। देखो माइनस ये हम कर सकते हैं इसको पूरा रूट में लिख भी कर सकते हैं, देखो पूरा रूट ये 3 का हो जाएगा अंदर 9, ये वाई बाय 3 9 वाई बाय 3 अपॉन ये 2 अंदर चला गया तो कितना हो जाएगा 4 एक्स बाय 2। चलो करो अभी ये 2 2 जा 4 3 3 जा 9, तो हो गया फाइनली सॉल्व। क्या मिल गया हमें आंसर, देखो माइनस यर रूट ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 समझ में, और ये 2 2 जा 4। फाइनली वी गेट आंसर माइनस रूट ऑफ 3 वाई अपॉन 2 एक्स। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ये तो सबको पता है ना, ये अगर रूट में चला गया तो 3 तो कितना बनता है 9 बनेगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट अगर किए तो 3 होता है, वैसे ही 4 ये अंदर जाएगा तो 4 बनेगा क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, समझ में आया। और ये कॉमन रूट ले लिया मैंने, यहाँ पे भी रूट में था ये भी टर्म रूट में थी, तो कॉमन रूट ले सकते हैं। फाइनली दिस इज आवर लास्ट आंसर, राइट डाउन प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 6, इफ x इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस t स्क्वायर y equals to t minus tan inverse t, show that dy by dx equals to root of e to the power x minus 1 upon 2। So, यहाँ पे भी again show that है, तो इसका मतलब हमें जो given है इसका use करना होगा last में, ठीक है, e to the power x minus 1 ये term दिख रहे। तो समझना कैसे आपको problem कि ये show that जो है, तो यहाँ पे आपको ये term दिख रहे e to the power x, इसका मतलब क्या हो रहा है कि e to the power x आने के लिए आपको ये जो x वाली term है यानी x वाला जो ये इक्वेशन है ये यूज करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको ई टू द पावर एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे यहाँ पे एक्स लिख दो, एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो ठीक है यहाँ तक के, अभी हमें आंसर में क्या चाहिए, ई टू द पावर एक्स पार्ट चाहिए। तो ये कब आएगा, आपको पता है प्रॉपर्टी क्या हमारे जो है यहाँ पे बेस ई होता है सबको पता है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो अगर ये लॉग चला जाएगा तो क्या मिलता है हमें यहाँ पे e रेस पे x मिलता है यहाँ पे सीधा सीधा, क्योंकि लॉग का बेस e होता है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास, तो ये जो है इंडेक्स बन जाएगा और बेस e है, तो e टू द पावर x और यहाँ का लॉग रिमूव हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमें 1 प्लस टी स्क्वायर। सबको पता है ये चीज, नहीं पता मैं, देखो अगर हमारे पास ये ऐसा रहा एक्स इक्वल टू लॉग टू द बेस e और t है, ठीक है इन जनरल ले रहा हूँ मैं अभी, तो क्या होती है हमारी प्रॉपर्टी, ये जो है ऐसा बनता है e टू द पावर x, क्योंकि ये बेस बनेगा और ये इंडेक्स बनेगा, ये लॉग क्या होता है रिमूव होता है और ये मिल जाएगा हमें t की वैल्यू, सबको पता है। फिर यहाँ पे ये 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू लॉग चला जाएगा और ये बन जाएगा एक्सपोनेंट e टू द पावर x, ये लॉगरिथमिक फॉर्म था, ये कौन सा फॉर्म है एक्सपोनेंट फॉर्म है। तो बेसिक है, बेसिक बहुत बार कर लिया हमने,
तो समझना है आपको लॉगरिथम प्रॉपर्टीज, और ये जो है क्लास 11 पे हो चुका है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट मिल गया है, फॉर्म एक्सपोनेंट फॉर्म e टू द पावर x इक्वल टू 1 - t2। तो ये जो है इसको देता है इक्वेशन नंबर 1, ये काम में पड़ेगा बाद में। तो ये बोल सकते हैं आप कि e टू द पावर x माइनस 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये टर्म हमें चाहिए, तो e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू t2। चलो इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, एंड इसका मतलब ये हमें काम पड़ने वाला आगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ये पार्ट समझ में, क्यों हमने यहाँ पे सॉल्व किया, क्योंकि है हमें आगे काम पड़ेगा, क्यों पढ़ने वाला है, क्योंकि प्रूव दैट में है dy by dx equals to e to the power x minus 1, ये टर्म आपको दिख रही है, तो इसका मतलब ये पहले सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर दिया, तो प्रॉब्लम मैक्सिमम हमारा सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, अभी सिर्फ हमें क्या करना है, फॉर्मेलिटी करना है ये चीजें करके। तो dx by dt log of 1 plus t square, सबको पता है log t का डेरिवेटिव होता है 1 by t, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1 by 1 plus t square, लेकिन भाई फिर से करना होगा हम इसका डेरिवेटिव d by dt of 1 plus t square by chain rule 1 upon 1 plus t square, ये as it is रहेगा denominator वाला part। 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और t square का कितना होता है, ये होता है twice t, तो अभी क्या करेंगे, twice t plus 0 ये होगा twice t into 1 2t, तो यानी ट्वाइस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये मिल गया हमें dx by dt। तो फाइनली वी गेट हियर dx by dt, तो पहला पार्ट मिल गया हमें dx by dt। अब इसके बाद क्या करना है, dy by dt भी निकालना है, तो चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। देखो समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, x का डिफरेंशिएशन किया, साथ ही साथ मैंने ये वैल्यू भी यहाँ पे कैलकुलेट की है, यहाँ तक सही है, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लो पहले, बाद में dy by dt। चलो dx by dt पार्ट सॉल्व हो चुका था, अभी करेंगे dy by dt, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, हियर dy by dt, डेरिवेटिव ऑफ t क्या होता है, t का डेरिवेटिव 1, और tan इनवर्स t का होगा, जैसे tan इनवर्स x का होता है 1 upon 1 plus x square, तो यहां पे x नहीं आएगा, यहां पे t आएगा 1 upon 1 plus t square, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम पे 1 plus t square माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसल, तो हमें dy by dt की वैल्यू मिल गई यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गई हमें वैल्यू dy by dt की। तो टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ dy by dt। इसके बाद हमें करना है डिफ्रेंशिएशन, हो गया है dy by dx भी मिल गया, सॉरी dy by dt भी मिल गया और dx by dt भी मिल गया। अभी लिखो नाउ, हमें तो चाहिए dy by dx, तो dy by dx equals to क्या होता है, ऊपर dy by dt और नीचे क्या होगा dx by dt, दोनों पे वैल्यू है पुट कर दो। dy by dt की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया था t square upon 1 plus t square, ये हो गया किसकी वैल्यू है, ये बोलो dy by dt, और dx by dt की क्या है 2t upon 1 plus t square, ये हो गया कैंसल, राइट। तो ये कैंसल होने के बाद हमें यहाँ पे जो है ये मिलेगा t स्क्वायर, तो यहाँ से t कैंसल होगा, तो ये t बाय 2, सही है। देखो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे t बाय 2, क्योंकि ये एक t होगा इसमें से कैंसल, तो t बाय 2, ये 2 ऐसे ही रहेगा। अब ये वैल्यू बताओ t की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, हमें आंसर क्या चाहिए, e टू द पावर रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1, तो इक्वेशन 1 से मिल जाएंगी t की वैल्यू। अगर t स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 1 है तो t की वैल्यू कितना हो जाएगी, स्क्वायर रूट लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट के बाद t की वैल्यू हो जाएंगी रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1, तो यहाँ पे लिखते हैं हम, देयरफॉर t की वैल्यू क्या लिखेंगे, रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 2, और ये कहाँ से मिल रहे हैं हमें, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फाइनली वी गेट आंसर हियर dy by dx इक्वल। देखो किसी को समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, हियर e टू द पावर x, तो t की वैल्यू बन जाएंगी t इक्वल्स टू रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1 आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे t स्क्वायर की वैल्यू e टू द पावर x माइनस 1 थी, स्क्वायर रूट के बाद क्या हो जाएंगी t इज इक्वल्स टू रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1, तो फाइनली यहाँ पे पुट कर दिया हमने t की वैल्यू और ये हमें मिल गया 2, ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू साइन इनवर्स e टू द पावर t, y इक्वल टू रूट ऑफ e1 माइनस e टू द पावर ट्वाइस t,
शो दैट sin x plus dy by dx equals to 0. तो सबसे पहले प्रूफ क्या, प्रूफ में क्या चाहिए आपको, sin x plus dy by dx. तो इसका मतलब sin x चाहिए, तो ये x है, तो पहले लिखेंगे x equals to sin inverse e to the power t. देखो dy by dx तो निकालेंगे हम, लेकिन ये sin x की वैल्यू भी निकालना, तो sin x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएंगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore sin inverse, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये बनेगा sin x, तो मिल गई sin x की वैल्यू e to the power t. ये कर देती इक्वेशन वन. अगर हमें, क्योंकि हमें चाहिए बाद में, तो हम बाद में निकालने वाले थे, इससे पहले ही निकाल देते यहाँ पे, खत्म कर देते इसको. तो x था sin inverse e to the power t, तो sin शिफ्ट हो गया, sin x की वैल्यू बन गई e to the power t. अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे जो रूल है कौन सा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामेट्रिक फंक्शन वाला, तो इससे करेंगे हम dy by dx सॉल्व. तो सबसे पहले x इक्वल टू लिखो sin इनवर्स, तो ये तो लिखा ही है ऑलरेडी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे. अभी क्यों करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोलो, क्योंकि अगेन फंक्शन ऑफ t है, x इज अ फंक्शन ऑफ t, तो पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, हियर dx by dt. सही है. देखो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लगा दो 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, नहीं यहाँ पे e टू द पावर t है, तो e टू द पावर t का स्क्वायर लिख सकते हैं, अगेन d बाई डी टी ऑफ d बाई डी x नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t है, तो यहाँ पे लिखना है d बाई डी टी ऑफ, किसका लिखेंगे d बाई डी टी, e टू द पावर t का, क्योंकि यहाँ पे t के जगह e टू द पावर t है, तो इसलिए फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन e टू द पावर t अपॉन वन माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ट्वाइस ही लिख सकते हैं, रूल ऑफ इंडेसिस a टू द पावर m टू द पावर m क्या होता है, क्रॉस होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है इसका, 2t लिख सकते हैं, इससे पहले भी कर चुके हम ये ऐसा प्रॉब्लम, तो मिल गया हमें ये जो है dx by dt, और उसके बाद क्या करना है, dx by dt मिल गया, अभी आपको निकलना है dy by dt. तो y लिखेंगे सबसे पहले y equals to root of 1 minus e to the power 2t differentiate with respect to t, here again differentiate with respect to t, अब देखो with respect to t कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएंगे ना dy by dt. now this root t समझ लो, इसको root t का derivative हो जाएगा 1 by twice root t, ये होता है twice root t, लेकिन तो t तो है नहीं इसके जगह, तो t के जगह कुछ और है, ये लिखेंगे इसमें 1 by 2 root, ये है सिंपल तरीका, root का derivative क्या होता है 1 by 2 root, but root में t के जगह other term है, फिर से इसका differentiation d by dt of this term 1 minus e to the power 2t, कौन सा rule, chain rule. तो देखो chain rule बहुत ज़्यादा use होता है, chain rule पता होना चाहिए, chain rule पता कैसे पता चलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे root t के जगह other term है, अगर other आ रहा है part, तो आपको फिर से differentiate करना होता है, क्योंकि वो complex function है, यहाँ पे 1 by 2 root 1 minus e to the power twice t. देखिए यहाँ पे 1 का derivative हो गया, 0 constant था, e to the power 2 t का derivative हो जाएगा e to the power 2t, again derivative of 2t, तो मैं directly लिख सकता हूँ यहाँ पे 2, थोड़ा क्योंकि 2t का derivative 2 हो जाएगा, या फिर लिख देता हूँ step अंदर d by dt of 2t, यहाँ तक ठीक है सब. अभी देखो इसके बाद वाला part, इसको solve करने आगे, ये तो मिल गया हमें dx by dt की वैल्यू, अभी dy by dt निकाल रहा हूँ. देखो ये चाहिए मैंने इसलिए यहाँ पे रखा, आपको तो पूरा कंटिन्यू करना है इसके बाद वाली स्टेप. तो ये हो गया 1 0 माइनस e टू द पावर 2t, देखो 2 इंटू टी का डेरिवेटिव होगा 1, तो ये मिल गया हमें इस तरीके से, समझ में आया, t का डेरिवेटिव 1, 2 कॉन्स्टेंट है वैसे रहेगा, और ये है 2 रूट 1 माइनस e टू द पावर ट्वाइस t, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधा मिल जाएगा 2 आगे माइनस 2 e टू द पावर 2t अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर 2t, तो ये वैल्यू है dy by dt की. क्या मिल गया हमें, देखो सबसे पहले समझ लो कि इसके बाद वाला पार्ट क्या किया, e टू द पावर ट्वाइस t एज इट इज है, 2 कांस्टेंट है रखा, डेरिवेटिव t का लिया 1, 2 into 1 2, तो माइनस 2 e टू द पावर 2t, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 0 माइनस से करेंगे तो वही आएंगे ना, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला हमें, अब ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसल, तो मिल गई हमें dy by किसकी वैल्यू, dt की वैल्यू, और ये है dx by dt की वैल्यू. तो अभी हम फाइनली लिखेंगे इसके बाद वाली स्टेप, देखो ये जो है माइनस e टू द पावर ट्वाइस t है, तो हम ऐसे लिख सकते इसको माइनस e टू द पावर ट्वाइस t
रूट ऑफ वन माइनस ई टू द पावर टू टी, तो ये मिल गया हमें वैल्यू। अभी रूल यूज कर हमारा नाउ dy बाय डी एक्स चाहिए था हमें, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू dy बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। हमारे पास दोनों की वैल्यू है तो दोनों वैल्यू यूज करेंगे। देखो इसके बाद वाला पार्ट dy बाय डी एक्स इक्वल dy बाय डी टी की वैल्यू क्या है, dy बाय डी टी की वैल्यू यह है माइनस ई टू द पावर टू टी अपॉन रूट ऑफ वन माइनस रूट ऑफ वन माइनस ई टू द पावर टू टी, यह है dy बाय डी टी की वैल्यू। और dx बाय डी टी क्या कैलकुलेट किया था हमने, dx बाय डी टी किया था e टू द पावर t था अपॉन रूट ऑफ वन माइनस ई टू द पावर टू टी, चेक कर लो बराबर है ये वैल्यू थी, क्योंकि साइन एक्स ओवर सॉरी साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो गया था वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर यानी ई टू द पावर टी स्क्वायर हो गया था, और फिर से डेरिवेटिव लिया था तो ये टर्म हमें मिल गया था। देखो ये और ये क्या हो गया कैंसल, और ये मिल गया हमें ई टू द पावर टी का स्क्वायर था, ये है ठीक है, तो एक कट हो जाएगा डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। देखो ये भी कर सकते हैं माइनस है रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा ई टू द पावर टू टी माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि ये बेस क्या है सेम है तो इंडेक्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा डिवीजन है, तो टू टी माइनस टी ई टू द पावर टी बचेगा। समझ में आया ये सीधा सीधा कि टू टी में से अगर टी चला गया तो ई टू द पावर टी बचेगा, तो ई टू द पावर टी बच गया, और ई टू द पावर टी की वैल्यू हमारे पास है क्या है ई टू द पावर टी की वैल्यू साइन एक्स है, तो यहाँ पे मैं साइन एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या है हमारा डी वाई बाय डी एक्स, समझ लो ये स्टेप समझना है आपको, यहाँ से ही हमें आंसर मिलेगा यार dy by dx सही है माइनस e to the power t, तो e to the power t की वैल्यू है यहाँ पे, देखो e to the power t की वैल्यू हमें क्या मिल रही है e to the power t की वैल्यू sin x, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम sin x, और ये कहाँ से मिल रहा है फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से मिल रही है हमें वैल्यू, और ये sin x शिफ्ट कर दो इधर तो ये बन जाएगा प्लस sin x प्लस साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखो ये मिल गया हमें, सो दैट यही करना था, देयरफॉर साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी एट, एक्स इक्वल्स टू बी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू ए वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, वी हैव टू शो दैट डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स। तो देखो यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई बोला है इसने, ठीक है, फिर भी हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी तो करना होगा, इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्स इक्वल टू लिखते हैं पहले टू बी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, चलो ये हो गया टू बी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, पहला जो स्टेप है ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी। अभी देखो ये है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका मतलब फ्रैक्शन फॉर्म, यहाँ पे लगाएंगे हम डिफरेंशिएशन का कोशेंट रूल, तो कोशेंट रूल क्या होता है ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये है डिनोमिनेटर यानी पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखना पड़ता है फिर बाद में डेरिवेटिव दैट इज डी बाई डी टी ऑफ न्यूमरेटर, तो ये है टू बी टी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि हमने डेरिवेटिव न्यूमरेटर का लिया, फिर माइनस करना, अभी उल्टा करना, अभी क्या होगा ये 2bt आगे आ जाएगा ये न्यूमरेटर, और डेरिवेटिव एक बार डेरिवेटिव अभी न्यूमरेटर का होगा, दूसरे बार डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का लिखो, तो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यही रूल है हमारा, सिंपल रूल है कोशेंट रूल, क्या था कोशेंट रूल डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करना है 1 प्लस टी स्क्वायर, 2b कांस्टेंट है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t 1 टू बी टी, यार वन का डेरिवेटिव जीरो और टी स्क्वायर का होगा टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद ये टू बी इंटू वन टू बी और ये टू मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा फोर बी टी, चलो करो जल्दी नेक्स्ट पार्ट, टू बी इंटू वन टू बी, यार टू बी वन प्लस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टू द फोर फोर बी टी, टी इंटू टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक, ये हो गया हमारा
पार्ट सॉल यहाँ तक के। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन क्या कर सकते हैं, टू बी कॉमन ले सकते हैं। तो चलो वहां से टू बी कॉमन ले लो, तो क्योंकि यहाँ पे देखो टू है, ये टू के टेबल में आता है, तो टू कॉमन निकालेंगे और बी भी निकल जाएगा साथ में, तो ब्रैकेट में बचेगा वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू भी निकल गया। यहाँ से कितना बचेगा, टू 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 का फोर होता है, इसलिए टू बी चला गया और एक सिंगल टी स्क्वायर बचेगा, तो टू बी टू टी स्क्वायर होगा, ये वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ ये यहाँ से टू भी मिल गया हमें, ये हो जाएगा वन माइनस टू टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर गया, तो टी स्क्वायर बचेगा, साइन करना है बड़े नंबर का, यहाँ पे वन माइनस टी स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, सिंपल है। ये मिल गया हमें dx बाई dt, देखो ये टू टी स्क्वायर है, इसके पास दो टी स्क्वायर है, यहाँ पे एक टी स्क्वायर है, दो टी स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर का, तो एक टी स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे वन लगाने की जरूरत नहीं, बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया हमने यहाँ पे। तो ये पहला पार्ट हो गया सॉल्व, इसकी वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे dx बाई dt की, फिर हमें निकालना है dy बाई dt की वैल्यू। चलो यहाँ तक लिख लो जल्दी, देखिए यहाँ पे dx बाई dt की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख लिया है, या तो फूक गया था हमारा dx बाई dt और शायद यहाँ पे होल स्क्वायर था, हाँ वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना होगा अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, व्हाट इज डेरिवेटिव dy बाय dt, ये होगा dy बाय dt, ये a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को रखते बाहर, यहाँ पे लगा देंगे कोशेंट रूल, क्या होता है कोशेंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, बाद में आता है डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी टी ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है वन माइनस टी स्क्वायर माइनस, अभी ये जाएंगे वन माइनस टी स्क्वायर पहले आ जाएगा, फिर बाद में डेरिवेटिव करेंगे हम डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर है वन प्लस टी स्क्वायर, तो ये पूरा रूल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नाउ आफ्टर दैट ए एज इट इज वन प्लस टी स्क्वायर भी जैसे के वैसे रहेंगे, इसको ब्रैकेट में रखना है फिलहाल के लिए, और साथ में ये डेरिवेटिव कर दे, यहाँ पे वन का डेरिवेटिव जीरो, टी स्क्वायर का होगा टू टी राइट, वन माइनस टी स्क्वायर, आफ्टर दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस ब्रैकेट, वन का डेरिवेटिव जीरो और टी स्क्वायर का होगा टू टी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई स्टेप स्किप मत करो और वीडियो भी पूरा देखते जाओ। वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ तक सही है सब, अब देखो इसके बाद करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी, ये टू टी, तो टू टी आगे लिख सकते हैं हम यहाँ से, तो चलो इसके बाद लिखना है आपको टू टी आगे मल्टीप्लाई कर, ये जो है माइनस टू टी आगे लिखो यहाँ पे ए बार ही है, तो ये बन जाएगा माइनस टू टी, ब्रैकेट में आ जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर, सही है, ये आगे देखो माइनस टू टी, ये आगे कर दिया टू टी, मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट को, वन माइनस टी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जहाँ तक होगा मतलब पार्ट सॉल्व। अभी इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस टू टी है और यहाँ पे भी माइनस टू टी है, तो क्या करते हैं हम कॉमन ले लेंगे इधर से, तो माइनस टू टी रखते हैं आगे, माइनस टू टी ए ब्रैकेट में बचेगा वन प्लस टी स्क्वायर, माइनस चला गया तो अब आ जाएगा प्लस और बाकी एज इट इज वन माइनस टी स्क्वायर, समझ में आया, देखो माइनस टू टी अगर जगह तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाकी जैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि प्लस वन माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट कम्प्लीट, और यह है वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर गेट कैंसल, वन प्लस वन कितना बनेगा, ये बन जाएगा टू माइनस टू टी ए इन ब्रैकेट टू वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, फाइनली वी गेट आंसर हियर डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू टू टू, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे फोर टी कर सकते हैं, ये कर देंगे हम फोर टी ए अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ में आया, टू टू दा फोर टी ए अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, टी ए मिल गया हमें डी वाई बाई डी टी की वैल्यू, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू मिल गई है और ये डी एक्स बाई डी टी की, इसके बाद आपको पता है तो डी वाई बाई डी एक्स में फाइंड आउट नहीं, डी वाई बाई डी एक्स नहीं, यहाँ पे करना है डी एक्स बाय डी वाई, तो इसके बाद लिखो नाउ डी एक्स बाय डी वाई, हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ डी एक्स बाय डी वाई इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे डी एक्स ऊपर है तो हम क्या करेंगे डी एक्स बाई डी टी वाला पार्ट रखेंगे ऊपर, और नीचे क्या करेंगे डी वाई बाय डी टी,
समझ में आया? जैसे हम dy by dx निकालते हैं, dy by dt ऊपर रखते हैं अपॉन dx by dt, यहाँ पे ये देखो चेक करो यहाँ पे क्या है dx by dy है, तो dx वाला पार्ट ऊपर आएगा, तो dx by dt की वैल्यू कर देंगे यहाँ पे पुट, क्या था dx by dt वैल्यू 2b 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये थी वैल्यू हमारी dx by dt की। और dy by dt की वैल्यू अभी निकाला है 4ta अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, चलो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम टर्म गेट कैंसिल, और यार वी गेट 2b 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t, यहाँ से भी 2 का 4 हो सकता है, चलो वो भी कैंसिल कर देते हैं, और इधर वाला पार्ट का काम हो गया, यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ, देखो ये 2 का 4, तो ऊपर क्या बचेंगे सिर्फ बी 1 माइनस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस 2ta डी एक्स बाय डी वाई, तो ये पार्ट हमें मिल गया है, हाथ रख के सब सॉल्व हो चुका है। अभी देखिए आंसर में क्या चाहिए हमें, बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर एक्स, यानी इसका मतलब y और x के फॉर्म में चाहिए आंसर, तो ये अभी तक तो मिला नहीं, इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और जो गिवन डेटा है इससे हम ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर और ये 2t की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और वहां पे पुट करना होगा, तो हमें मिल जाएगा ये, क्योंकि आंसर में t वाला पार्ट है ही नहीं, ठीक है, t दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब t वाला पार्ट जो है हमको वहां से एलिमिनेट करना है। देखिए ये जो गिवन है, सबसे पहले गिवन डेटा का यूज करेंगे, गिवन गिवन था x इक्वल्स टू 2bt 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर था y इक्वल्स टू a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये है गिवन, समझ में आया? अभी क्या करना है कि आपको जो वैल्यू चाहिए यहाँ पे जिसको रिप्लेस करना है, 1 माइनस टी स्क्वायर को रिप्लेस करना है, 1 माइनस टी स्क्वायर का दिख रहा है यहाँ पे, तो इससे वैल्यू मिल जाएंगे 1 माइनस टी स्क्वायर की, y अपॉन a कर दो और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये चला जाएंगे इसके साथ, तो 1 प्लस टी स्क्वायर मिल गई वैल्यू यहाँ पे, 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमें, 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई ए 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ से हमें क्या किसकी वैल्यू मिल जाएंगी 2t की वैल्यू मिल जाएगी, देखो 2 है t है, तो 2t इक्वल टू ये 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो x के साथ, तो x 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये b चला जाएंगे इसके नीचे, ठीक है, थोड़ा बराबर देखिए यहाँ पे हमें जो चाहिए यहाँ पे जिसको रिप्लेस करना है 1 माइनस टी स्क्वायर को रिप्लेस करना था, तो 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले लिया हमने और 2t की वैल्यू मिल गई यहाँ से, ये दोनों वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, पुट वैल्यूज ऑफ 2t एंड 1 माइनस टी स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो इसका मतलब हम ये जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं, देखो ये इक्वेशन 1 है, अब इसको इसमें मुझे पुट करना है वैल्यू, तो क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे, देखो 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह ये रख सकता हूँ मैं, चलो रखता हूँ मैं इसकी जगह, देखो बी एज इट इज है, और इसकी जगह रखता हूँ मैं वाई बाय ए 1 प्लस टी स्क्वायर, समझ में आया, देखो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ, और नीचे देखो 2ta, तो 2t की वैल्यू मिल चुकी है, a वैसे रहेंगे यहाँ पे a एज इट इज रहेगा, और 2t की वैल्यू क्या मिल गई है, 2t की है x 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन बी, समझ में आया, यानी जहाँ पे रिप्लेस करना है वही पे आपको लिखना है वो वैल्यू, जो 1 माइनस टी स्क्वायर की थी तो उसकी जगह पे रख दिया ये वैल्यू, और 2t की जगह ये वैल्यू रख दिया। अभी क्या कर सकते हैं इसमें, ये जो लास्ट वाला है इसको शिफ्ट कर दो, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और ये बचा हुआ क्या पार्ट है बी वाई, सॉरी माइनस चला जाएगा आगे ये, ठीक है, माइनस बी वाई, ये बी भी ऊपर चला जाएगा इंटू बी, और ये इसके साथ चला जाएगा ए माइनस, तो गया ऊपर एक्स ए ए ए इंटू ए, सबका पता है ये फर्स्ट और लास्ट वाला कंबाइन हो जाएगा और ये सेकंड और थर्ड वाला कंबाइन हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें आंसर मिल गया है बी स्क्वायर बी इंटू बी बी स्क्वायर, तो बी एक्स बाय बी वाई इक्वल्स टू बी इंटू बी बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साथ में है उसके एक्स, तो ये मिल गया फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट एक्चुअली आपको यहाँ पे जो है डी एक्स बाई डी वाई फाइंड आउट करना था, तो इसके हिसाब से हमने कर दिया, और ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन था
इसका आपको यूज करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल।